यूं तो टीवी इंडस्ट्री में हमें कई ऑन स्क्रीन दामाद अभिनेता देखने को मिले हैं, जिन्होंने अपने ससुराल में एक आदर्श बेटे जैसा अच्छा बॉन्ड सबसे अच्छे से बनाए रखा और अपने किरदार इतने बखूबी निभाया कि लोग आज भी उन्हें उनके दामाद वाले किरदार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टीवी की उन्हीं ऑन स्क्रीन दामाद अभिनेताओं में से एक ऐसे अभिनेता हैं जो दामाद के किरदार में नंबर वन पर हैं, इसीलिए दर्शकों ने सबसे ज्यादा उन्हें पसंद किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी के टॉप 10 ऑन स्क्रीन दामादों के साथ उस एक नंबर वन दामाद से रूबरू कराएंगे जो दर्शकों को बहुत ज्यादा प्यारा है। तो फिर आइए मिलते हैं उनसे। नंबर 10 पर है शब्बीर अहलूवालिया। यूं तो कुमकुम भाग्य शो में एक्टर शब्बीर अहलूवालिया अभिषेक के आदर्श दामाद के रूप में अपनी सास तरला उर्फ सुप्रिया शुक्ला की बड़ी इज्जत करते हुए नजर आए थे, पर ये दामाद के किरदार में नंबर वन पर फिर भी नहीं आए। नंबर 9 पर है धीरज धूपर। ससुराल सिमर का शो में सिमर के पति और अपने ऑन स्क्रीन सास ससुर पंकज धीर और जया ओझा के दामाद के रूप में नजर आए धीरज धूपर काफी पसंद तो किए गए थे, मगर अपने सास ससुर से कुछ खास बॉन्ड ना रहने पर ये दामाद के किरदार में नंबर वन पर नहीं रहे। नंबर 8 पर है रणदीप रॉय। टीवी के मल्टी टैलेंटेड अभिनेता रणदीप रॉय ने, ये उन दिनों की बात है, शो में अपने ऑन स्क्रीन सास ससुर आभा परमार और सचिन खुराना के दामाद की खूबसूरत भूमिका अदा करते हुए शो में चार चांद लगाए थे, लेकिन फिर भी ये दामाद के किरदार में नंबर वन पर नहीं रह पाए। पर 7 पर है शगुन पांडे। इन दिनों मीत सीरियल में ऑन स्क्रीन दामाद बनकर अभिनेता शगुन पांडे उनकी काफी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ एक बेटे की तरह उनका ख्याल भी अच्छे से रख रहे हैं, फिर भी ये इस किरदार में नंबर वन दामाद पर नहीं रहे, क्योंकि इनसे भी अच्छा कोई और है। नंबर 6 पर है विजेंद्र कुमेरिया। उसे छल किए जाए सीरियल में एक्टर विजेंद्र कुमेरिया ने ऑन स्क्रीन दामाद बनकर लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है, क्योंकि अपने ऑन स्क्रीन सास ससुर से झूठा प्रेम रखकर उन्हें धोखा दे रहे हैं, इसीलिए ये बेस्ट दामाद नहीं है। नंबर 5 पर है मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अक्षरा और नैतिक के ऑन स्क्रीन दामाद कार्तिक की भूमिका में मोहसिन खान ने उनका हर मुश्किलों में साथ दिया था, पर ये भी दामाद के किरदार में नंबर वन पर नहीं रहे। नंबर 4 पर है अंकित गुप्ता। इन दिनों उदारिया सीरियल में तेजो के माता पिता की दिल से इज्जत कर रहे अभिनेता अंकित एक समझदार दामाद की भूमिका जी जान से बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन ये भी इस किरदार में नंबर वन पर नहीं है। नंबर 3 पर है रोहित सुशंती। भाग्य लक्ष्मी सीरियल में इन दिनों ऋषि ओबेरॉय के रूप में एक आदर्श दामाद की भूमिका निभा रहे अभिनेता रोहित सुशंती को दामाद नहीं बल्कि बेटे के किरदार में ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसीलिए ये दामाद के किरदार में नंबर वन पर नहीं रहे। नंबर 2 पर है हर्षद चोपड़ा। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अभिमन्यु के रूप में नजर आ रहे अभिनेता हर्षद चोपड़ा अक्षरा के बड़े मम्मी पापा को अपने माता पिता मानकर उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, पर इन्हें दामाद के रूप में इनके ऑन स्क्रीन सास ससुर पसंद नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है नील भट्ट। लेकिन अगर बात करें उस अभिनेता की जो दामाद के किरदार में नंबर 1 पर है, तो वो है अभिनेता नील भट्ट। जी हाँ, क्योंकि वो गुम है किसी के प्यार में शो में अपने ऑन स्क्रीन सास ससुर से बहुत प्यार तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनके वादों के मुताबिक ये उनकी बेटी सई का भी इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं कि लोगों की नज़र में तो सिर्फ यही आदर्श दामाद बनकर रह गए हैं। तो दोस्तों, इन ऑन स्क्रीन दामादों में से आपका फेवरेट दामाद कौन सा है, आप हमें उस एक्टर का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।